हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आजकल यंग एडल्ट्स में होने वाली हार्ट डिजीजेज़ के बारे में। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो मिलते रहने के लिए बेल का आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले एक डेकेड यानी 10 साल से यंग एडल्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेज पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पाई जाने लगी हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, पैरालिसिस और स्ट्रोक की खतरनाक बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यंग एडल्ट्स में इन सब कारणों से काफ़ी मौतें हो रही हैं। अगर हम इस विषय पर थोड़ा गहराई से सोचकर देखें तो इसके कारणों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर माता पिता में से किसी को हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उस स्थिति में उनके बच्चों को भी वो सब होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हमें मोटापे से बचना चाहिए। नमक और नमकीन चीज़ें, ऑयली स्पाइसी चीज़ें, फास्ट फूड, फैटी फूड्स, बाहर के खाने पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और स्ट्रेस से बचना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, जूस, सिंपल खाना खाना चाहिए। खाने की टाइमिंग व्यवस्थित करनी चाहिए। खाने के बाद टहलना, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या एक्सरसाइज करनी चाहिए। पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी लें, स्ट्रेस कम करें। अगर कोई परेशानी है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और जांचें कराएं। आजकल के बच्चे और यंग एडल्ट्स में गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। खाना घर का सिंपल कोई नहीं खाना चाहता है। फास्ट फूड, फैटी फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और भागम भाग की लाइफ स्टाइल, नमक और नमकीन चीज़ें, मीठी चीज़ें ज़्यादा उपयोग करने से, फिजिकल एक्टिविटी कम करने से, मोबाइल और टीवी ज़्यादा उपयोग करने से, मोटापा बढ़ने, रात को काफ़ी लेट तक जगने और सुबह लेट तक सोने इत्यादि बहुत से कारण हो सकते हैं। पढ़ाई का बोझ ज़्यादा होने, माता पिता के बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने, कंपटीशन ज़्यादा होने, सोशल स्टेटस की फिक्र होने और घर पर माता पिता का प्रॉपर सपोर्ट और समय नहीं होने जैसे कारण भी हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी कदम माता पिता को उठाने होंगे अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे यंग एज में हार्ट डिजीजेस से दूर रहें, जिसमें बच्चों को प्रॉपर समय देना, उनको सपोर्ट करना, उनकी कमियों और स्ट्रेंथ को जानना, बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, घर का वातावरण शांत, खुशहाल और सपोर्टिव रखना, खाने पीने का टाइमिंग और तौर तरीके ठीक करना। ये सारी चीज़ें अगर हो जाएं तो काफ़ी हद तक हम यंग एडल्ट्स को हार्ट डिजीज से बचा सकते हैं। अगर कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, मेडिसिन और परहेज़ ठीक से करते रहें। इतना सब करने से अपने यंग एडल्ट्स को ठीक रख पाएंगे और अचानक होने वाली डेथ्स को भी कम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।